अच्छे होंगे। तो लॉकडाउन भी चल रहा है, आप घर पे बैठे बैठे क्या करें, तो कुछ कुछ न्यू रेसिपी सब लेके आ रहे हैं, खा रहे हैं, सब बच्चे लोग मजे कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ खामन ढोकले। आज मैं खामन ढोकले बनाऊंगी बेसन के, तो मैं इसको इडली के शेप में बनाऊंगी आज। तो मैंने लिया यहाँ पे इस टाइप से 200 ग्राम बेसन, मैंने 200 ग्राम बेसन लिया दो कटोरी, और खाने वाला सोडा लिया है साथ में 2 टेबल स्पून इस चम्मच से मेजरिंग के हिसाब से, और मैंने थोड़ी सी तेल और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चीनी ली है इसमें थोड़ा फ्लेवर के लिए, और मैंने पानी लिया है, पानी भी मैं इस गिलास से 200 ग्राम गिलास में ये 200 ग्राम पानी ऐड करूँगी इस गिलास से। तो अब मैं ये ले रही हूँ एक बाउल, इस टाइप का पैन ले लो, आप कोई टाइप का शीशा का भी ले सकते हो, मैंने स्टील का पैन लिया है और इस चम्मच लिया है। अब मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बेसन यूज किया है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी फ्लेवर के लिए, और मैंने छोटे चम्मच से एक चम्मच मैं इसमें तेल ऐड करूंगी इस टाइप से। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी इस टाइप से। आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें लम्स नहीं करनी चाहिए, तो आपको इसमें इस टाइप से पानी ऐड करना है। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइप से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी, और आपको इसकी सहायता से इसे इस टाइप से मिक्स करना है। मैं सोडा का बाद में यूज करूंगी 15 मिनट के बाद, इसे मैं बेसन को 15 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ूंगी, तब मैं इसमें सोडा डालूंगी कि अच्छे से बेसन सेट हो जाएगा। देखो आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ पानी मत डालना, अगर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी भी खराब हो जाए तो ये इसका बेटर बैठेगा नहीं, और आपके ढोकले भी अच्छे नहीं बनेंगे, और गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए और लम्स भी नहीं पड़नी चाहिए। इस सहायता से आपको इस टाइप से फेंटना है इसे। थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी मैं इसमें, देखिए मैंने एक गिलास पानी लिया था उसमें कम ही पानी लगा है मेरा। इस टाइप से मेरी कंसिस्टेंसी तैयार होगी इसकी, इसे आपको अच्छे से फेंटना है, 15 मिनट के लिए रेस्ट कट में रखना है। देखिए इस टाइप की कंसिस्टेंसी, जब भी याद करो आप बेसन का बनाओ इस टाइप की कंसिस्टेंसी रखना, बहुत अच्छा ढोकला बेटर बनेगा और इतना स्वाद और टेस्टी भी लगेगा खाने में। मैं इसे साइड में रख दूंगी 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, मैं इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए रख चुकी हूँ। साँचे में मैं इसी के साँचे में बनाऊंगी ढोकला, और बहुत सुंदर बनता है और स्पंजी बनता है और काफ़ी भी बन जाता है, सब परिवार खा सकते हैं फैमिली। तो मैंने इस टाइप से यहाँ पे तेल लिए है इस टाइप से, और मैंने कॉटन में भिजा लिया है। अब मैं इसे इडली के साँचे में इस टाइप से इसे इसमें तेल लगा दूंगी, इससे आपकी से बटर चिपकेगा नहीं नीचे का, ढोकला बनने के बाद आराम से आप निकाल सकते हैं। इस टाइप से मैं सब में तेल लगा के छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स मैंने इसमें इस पानी डाला है 2 गिलास इडली का साँचा में, और मैंने इसे गैस के फ्लेम में रख दिया है, ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। मैं ये स्टैंड सब रिकॉर्डिंग हमको सब रिकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये बैटर 15 मिनट हो चुका है, और देखिए कितना स्मूथ हुआ एकदम।
तो मैंने इसे अच्छा से इसे मिला मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें सोडा ऐड करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है मेजरिंग के हिसाब से, इसमें इसे 2 चम्मच इसके सोडा यूज किया है मैंने यहाँ पे। अब मैं इसे फटाफट इस टाइप से मिक्स करूंगी। तो देखिए इसमें आराम झाग आने लगेंगे, अच्छे से फैन आ रहा है। देखिए इस टाइप से मेरा इसमें फैन आ रहा है। आप ध्यान रखो, जब भी सोडा का यूज करो 15 मिनट रेस्ट करने देना बेसन को, उसके बाद इसमें मिक्स करना। देखिए इस टाइप से आपका फैन आ जाएगा। आपको इसे अच्छा से एकदम मिक्स करना है अपने हाथ की सहायता से, चम्मच या जो भी हो आप। इस टाइप से मेरी ये कंसिस्टेंसी तैयार होगी, एकदम अच्छा से मिक्स हो चुका है मेरे, एकदम झाग अच्छा से आ चुका है ऊपर। मैंने ये साँचा लिया इडली का, अब बैटर मैं इसमें डालूंगी इस टाइप से, थोड़े थोड़े बैटर डालूंगी इस टाइप से। देखिए मेरी बहुत सारी ढोकले बन के तैयार होंगे इसमें, और खाने में भी इतना स्पंजी बनेगा ये। अब मुझे इस स्टीम में इस टाइप से, जैसे आप इडली बनाते हैं इस टाइप से इसे रखना है। तो मैं इसे सब इसी टाइप से तैयार करूंगी। मेरा देखिए अच्छा से पानी गर्म हो चुका है। अब मैं स्टेन को इस पे रखूंगी इस टाइप से। मेरे टोटल 24 ढोकले रेडी हुए हैं। मैं इसे इस टाइप से बंद कर दूंगी 10 मिनट के लिए। देखिए मैंने चिपक रहा है, मैंने टूथपिक की सहायता से भी इसे किया और इस चम्मच के हिसाब से इसे चिपक गई। तो ये मेरा रेडी है 15 मिनट में। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। फ्रेंड्स मेरा कितना सुंदर तैयार हुआ है, इसका गोल स्पेस आया एकदम, और एकदम सॉफ्ट फूल के तैयार हो गए। देखिए चिपक भी नहीं रहा है, मेरा रेडी हो चुका है ये ढोकला। अब ये ठंडा हो जाए तब मैं इसे निकालूंगी। तो मैं एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, अब गैस ऑन करूंगी। तो इसके लिए मैंने बनाया है उसके ऊपर स्टॉफिंग देने के लिए झोल टाइप का, मीठा झोल। तो मेरा पैन गर्म हो चुका है, मैं इसमें 1 स्पून तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। और ये अच्छे से गर्म हो जाए। फ्रेंड्स मेरा देखिए तेल एकदम मैंने थोड़ा सा यूज किया है, अब मेरा ये अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें मैं राई का यूज कर रही हूँ, राई यूज कर रही हूँ। देखिए राई और 2 मैंने हरी मिर्च ली है इसमें, और थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है अच्छे से करूँगी, और थोड़े से मैंने यहाँ सूखे कड़ी पत्ते यूज कर रहे हैं। कड़ी पत्ते से फ्लेवर अच्छा था, सेहत के लिए बहुत अच्छे ही है। मैं थोड़ी सी इसमें चीनी का यूज करूंगी, इसमें रस में मीठा का फ्लेवर आने के लिए रहेगा। और देखिए ये अच्छा से मेरा रोस्ट हो चुका है। 2 से 3 मिनट लगे मुझे, अच्छा से ये मेरा रोस्ट हो चुका है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, ये झोल तैयार होगा। थोड़ा सा इसमें मैं बबल्स आने दूंगी, 1 से 2 मिनट तक ये हो चुका है। अब मैं इसे गैस फ्लेम बंद कर रही हूँ। देखिए अच्छे से हाई फ्लेम नहीं करना आपको, मीडियम फ्लेम में। देखिए अच्छे से बबल्स आ गया है, मेरा ये तैयार है झोल ढोकला का। देखिए फ्रेंड्स मेरा रेडी है। अब मैं इसकी सहायता से, आप चाकू भी ले सकते हो, देखिए कितना अच्छे से तैयार हो चुका है मेरा ढोकला इस टाइप से। देखिए कितना स्पॉन्जी भी हुआ है। इस टाइप से आपको सब ढोकले को निकालना है।
आप नाइफ की सहायता से भी लेते हो, चक्कू की सहायता से भी निकाल सकते हो। ये कितना सुंदर से तैयार हो गया मेरा ये ढोकला, रेडी हो चुका है। इतने 250 ग्राम बेसन में देखिए कितने काफी और स्पंजी हुए एकदम इस टाइप से, देखिए कितना स्पंजी हुआ है। देखिए मैं अपने हाथों की सहायता से बता रही हूँ, देखिए कितना स्पंजी है और खाने में भी इतना ही टेस्टी है ये। अब मैं इसमें ये मैंने जो रस तैयार किया है राई छोका और मिर्ची का कड़ी पत्ता का, मैं इस पर डालूंगी, इससे इसका फ्लेवर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। देते हो फिर तुम्हारे पास करते ना वो वीडियो अच्छा नहीं आता। सब बोल दो। हो गया, बंद कर दो अभी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने साथ में यहाँ केचप रखा है, आप चाहो तो हरी चटनी भी ले सकते हो, आप कोई भी केचप के साथ यूज कर सकते हो। तो देखिए मेरे ढोकले कितने स्पॉन्जी बने हैं, देखिए इस टाइप से, और कितने जालीदार है अंदर से, देखिए जाली पूरी है तो आप ध्यान रखना जाली छोड़नी चाहिए। तो आप इसके साथ इस तरह डालिए और खाइए, मजे लीजिए। तो प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और में शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में शेयर करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले।